hello everyone welcome back to our channel study iq judiciary this is me arjita and uh, this is our lecture number 12 of uh, bhartiya nyaya sahita so i'm sorry for the delay कुछ इंटरनेट में दिक्कत आ गई थी फिर एयरटेल वालों को बुलाया एयरटेल वालों ने आके अब इंटरनेट जो है वो सही कर दिया है ठीक कर दिया है ठीक है सो so, uh, मैं भरोसा कर रही हूँ एयरटेल वालों पे कि क्लास जो है वो ठीक चलती रहेगी और इंटरनेट जो है वो खराब नहीं होगा इन uh, केस बीच में अगर कोई दिक्कत आएगी फिर से तो फिर तो क्लास को खत्म ही करना पड़ेगा फिर अपन कल करेंगे बट अभी तो नेट चल रहा है तो जब तक नेट चल रहा है तब तक अपनी पढ़ाई जो है वो अपन कंटिन्यू रखते हैं ठीक है नाउ सेशन uh, स्टार्ट करें उसके पहले सो so गाइज आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो सो so दैट अगर आपके कोई सवाल कोई जवाब कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे पूछ सकते हो एंड यूट्यूब uh, के मेरे जो भी सेशंस होते हैं नहीं यार ये इतना यारेवी सिस्टम ना हॉटस्पॉट से नहीं चलता उसके लिए यू नीड अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट ठीक है सो मेरे जो यूट्यूब के होते हैं उनकी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलती रहेगी ऑल्सो uh, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये देनी थी uh, कि गाइज जैसे कि आपको पता होगा हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर टू और इस बैच में इनरोल करने की जो लास्ट डेट है ये है कल यानी कि 18 जनवरी सो so, अगर आप सोच रहे हैं कहीं पे जुडिशरी की तैयारी करने के बारे में चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे दो साल के लिए बैच आपको मिलता है बस इनरोल करते समय आपको क्या करना है मेरा डिस्काउंट कोड ए आर जे याद रखना है क्योंकि इसी से आपको क्या मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ठीक है चलो अब आ जाते हैं हमारे आ, अगले सेक्शन के ऊपर तो कल की क्लास में बेसिकली हमने सेक्शन 35 जो था आपका आईपीसी का और भारतीय न्याय संहिता का उसे हमने कंप्लीट कर लिया था तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हमें अगला देखना है सेक्शन नंबर छत्तीस जो है आपका ठीक है सेक्शन नंबर छत्तीस अब आपका यहां पर क्या बन चुका है सेक्शन नंबर तीन का क्लॉज नंबर सात बन चुका है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका रिलेशन किससे है कॉमन इंटेंशन के साथ ही है इसलिए ये सारे सेक्शंस आपको साथ में देखने को मिलते हैं अब देखो यहां पे क्या दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में इस वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्योंकि सेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो हम भारतीय न्याय संहिता से ही इसको यहां पे रीड करेंगे यहीं से इसको हम पढ़ेंगे अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि वेर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ऑफेंस, इट टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एनोमेशन इज द सेम ऑफेंस कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे को ठीक है देखो ये जो क्लॉज है ये वाला जो सेक्शन होता है भारतीय न्याय संहिता का ये आपको सिंपल सी एक चीज बताता है कि मान लेते हैं आपने कोई ऑफेंस किया है ठीक है ऑफेंस अगर अपन उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं तो मान लेते हैं कि तुमने क्या किया है किसी इंसान का मर्डर किया है अब मर्डर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं या तो तुम किसी के पेट में चाकू घोप सकते हो है ना या तो तुम किसी को गोली मार सकते हो या फिर तुम किसी को जहर दे सकते हो तो किसी को भी मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं अब मारने के तरीके में भी एक टाइप देखा जाता है टाइप क्या होता है कि देखो जब हम किसी इंसान को मारते हैं तो हम दो चीजें वहां पर कर सकते हैं दो चीजें क्या अपन या तो कुछ करेंगे और कुछ जो करना चाहिए था वो अपन नहीं करेंगे यानी कि अपन किसी ऑफेंस को कर रहे हैं लेकिन दो तरीके से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं अपन एक एक्ट भी कर रहे हैं है ना लेकिन कोई चीज जो अपन को करनी चाहिए थी वो अपन नहीं भी कर रहे हैं यानी कि साथ में अपन क्या कर रहे हैं इलीगल ओमिशन भी कर रहे हैं ठीक है अब अगर कोई भी ऑफेंस इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से किया जाता है कि तुमने थोड़ा एक्ट किया है और थोड़ा तुमने इलीगल ओमिशन जो है वो यहां पे किया है अल्टीमेटली दोनों का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है एक ही चीज निकल के आ रही है ना कि भाई अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो अल्टीमेटली कर तो, तो मर्डर ही रहे हो ना यहां पे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपको क्या बताता है कि भाई दोनों चीजें क्या मानी जाएंगी सेम मर्डर का ही पार्ट यहां पे मानी जाएंगी आपने बस क्या किया है किया तो आपने मर्डर ही है लेकिन किया उसको अलग अलग तरीके से है कुछ आपने करके किया है कुछ आपने ना करके किया है लेकिन उसका असर क्या निकल के आ रहा है अगर आप किसी इंसान को चाकू घोपते हो आप अगर किसी इंसान का चाकू घोप के जो है किसी इंसान की बॉडी में अगर आप चाकू घोप देते हो तो भी रिजल्ट क्या निकल के आता है मर्डरी निकल के आता है है ना अगर तुम किसी इंसान को खाना देना बंद कर देते हो कोई इंसान जो कि तुम पे डिपेंडेंट है तुमने उसको खाना देना बंद कर दिया बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया तो उस इंसान की डेथ वहां पे हो गई यहां पे क्या हुआ यहां पे इलीगल ओमिशन निकल के आया तो किसी को खाना नहीं दोगे तो भी वो क्या माना जाएगा मर्डर ही यहां पे जो है वो आपका माना जाएगा तो दोनों चीजों को हम यहां पे क्या काउंट कर रहे हैं सेम ही ऑफेंस का पार्ट मान के काउंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों चीजों का रिजल्ट सेम निकल के आ रहा है कि भाई आप यहां पे क्या कर रहे हो किसी इंसान का मर्डर कर रहे हो तो यही चीज इस सेक्शन में लिखी है अब वापस से एक बार सेक्शन को पढ़ते हैं सेक्शन में क्या लिखा है कि भाई तुमको करना था एक सर्टेन इफेक्ट कॉज तुम क्या करना चाहते थे किसी का मर्डर करना चाहते थे दिस वाज द इफेक्ट जो कि आप कॉज करने की कोशिश कर रहे थे यहां पे, ठीक है लेकिन यहां पे आपने क्या किया है आपने वो मर्डर एक एक्ट के साथ या फिर एक ओमिशन के साथ किया है मतलब कुछ किया भी है और कुछ ना भी किया है तो दोनों चीजें मिलके क्या हो रही हैं एक ऑफेंस में आपका रिजल्ट कर रही है तो हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करेंगे हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि भाई वो जो इफेक्ट आपने कॉज किया है जो मर्डर आपने यहाँ पे कॉज किया है वो एक्ट और ओमिशन दोनों की वजह से यहाँ पे हुआ है तो उसको सेम ही ऑफेंस का पार्ट माना जाएगा क्योंकि आपने इफेक्ट एक ही कॉज किया है लेकिन तरीके अलग अलग आपने अपनाए हैं कहीं पे आपने खाना देना बंद कर दिया कहीं पे आपने सामने वाले इंसान को बहुत बुरी तरीके से पीटा लेकिन दोनों चीजें रिजल्ट क्या कर रही हैं मर्डर में ही रिजल्ट कर रही है ना तो उसे सेम ऑफेंस का पार्टी आपका माना जाएगा बस इतनी सी बात आपके इस क्लॉज में यहां पे लिखी हुई है इसका एक इलस्ट्रेशन भी यहां पे दिया गया है ठीक है कि भाई ए जो है ए क्या करता है जेड की डेथ कॉज करने की कोशिश करता है मतलब ए क्या कर रहा है एक इफेक्ट लेके आने की कोशिश कर रहा है एक इफेक्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कैसे एक तरफ तो उसने क्या किया जेड को खाना देना बंद कर दिया और एक तरफ उसने क्या किया जेड को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा अब अगर एक और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं इन दोनों ऑफेंस इन दोनों चीजों को अलग अलग एक बार के लिए कर दो अगर तुम कुछ ना करो तुम किसी इंसान का मर्डर कर दो चाकू घोप दो उसकी बॉडी में जाके तो भी वो मर्डर ही माना जाएगा ठीक है अगर तुम किसी इंसान को खाना देना बंद कर दो तुमने एक महीने तक उसको खाना नहीं दिया तो भी वहां पे क्या होगा मर्डर ही होगा तो अगर मैंने दोनों चीजों का यहां पे मिक्स कर दिया तो भी क्या निकल के आ रहा है मर्डर ही निकल के आ रहा है ना वहां पे बस मैंने मर्डर किया कैसे है दो अलग अलग चीजों को मिला के किया है बट उसका इफेक्ट तो सेम ही है ना कि अल्टीमेटली इंसान वहां पर मर ही रहा है ठीक है तो ये चीज आपको इस क्लॉज में देखने को यहां पे मिलती है कि भाई अगर कोई इंसान दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन लगा के कोई इफेक्ट कॉज करने की कोई ऑफेंस कॉज करने की कोशिश कर रहा है उसको ऑफेंस जो है उसी सेम ऑफेंस का ही पार्ट उसको यहां पे कंसिडर किया जाएगा क्योंकि सारी चीजों से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि भाई मर्डर ही हो रहा है और कुछ भी यहां पर चेंज नहीं हो रहा है इज दिस क्लियर ये वाला क्लॉज समझ में आ गया ये वाला सेक्शन समझ में आ गया इज दिस क्लियर कि वापस से रिपीट करूं ठीक है अब देखो आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से सुनना ठीक है क्योंकि ये सेक्शन अच्छा वापस से रिपीट ठीक है वापस से रिपीट कर देते हैं <clears throat> देखो सेक्शन क्या बोल रहा है सेक्शन ये बोल रहा है मान लेते हैं आपको किसी का मर्डर करना है अपन एग्जांपल से समझते हैं ठीक है सब भूल जाओ सब हटा दो रिमूव एवरीथिंग जो मैंने अभी तक बताया फॉरगेट एवरीथिंग ठीक है आपको किसी इंसान का मर्डर कॉज करना है 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 ना ये एक इफ़ेक्ट जो कि आप कॉज करना चाहते हो जो कि सेक्शन में लिखा हुआ है है ना? तुम एक या तो आप, ये कर सकते हो कि आप किसी इंसान का गला काट सकते हो है ना तो भी वो मर्डर ही माना जाएगा तुम किसी इंसान को दो महीने तक खाना देना बंद कर सकते हो तो भी वहां पे मर्डर ही माना जा रहा है ऑफेंस तो सेम ही निकल के आ रहा है, है ना आपका अब अगर मान लो कि आपने दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर दिया

एक्ट करती हूँ कोई ऑफेंस करती हूँ तो माना तो वो सेम ही ऑफेंस जाएगा ना क्योंकि आप मुझे दो बार तो यहाँ पे के लिए सजा दोगे नहीं मैंने क्योंकि दोनों की, की हैं। मैंने किसी का गला भी काटा है और मैंने किसी को खाना भी नहीं दिया है लेकिन ये दोनों चीजों करके फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है yes, दोनों चीजें करके फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि भाई इंसान ही रहा है ना उसका मर्डर ही हो रहा है तो इसको सेम मर्डर का पार्ट ही मान के चलो कि भाई इसने मर्डर कैसे किया है दो अलग अलग तरीके अपना के किया है लेकिन वो दोनों तरीके सेम ऑफेंस का पार्ट है क्योंकि मर्डर कॉज करने के लिए उसने अलग अलग टाइप्स यहां पे यूज किए हैं लेकिन सारे टाइप्स का कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि मर्डर ही तो कर रही है ना तो सारे टाइप्स को जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें अलग अलग मत देखो उन्हें सेम ही उसमें देखो क्योंकि भाई उसने सारे तरीके यूज करके क्या किए हैं किसी इंसान का मर्डर यहां पे किया है अल्टीमेटली रिजल्ट आपका सेम निकल के आ रहा है दैट इज मर्डर यहां पर समझ में आया अभी इज इट क्लियर जैसे यहां पर इलेट्रेशन देखो इलेस्ट्रेशन में क्या लिखा है तुम किसी को खाना देना बंद कर दो ठीक है तुम किसी को खाना देना बंद कर दो और तुम किसी को बुरी तरीके से मारो पीटो भी दोनों चीजों से निकल के क्या आएगा उस इंसान की डेथ ही यहां पे हो जाएगी ना तो हम तुम्हारा खाना देना खाना ना देना और तुम्हारा किसी को बुरी तरीके से मारना पीटना अलग अलग तो देखेंगे नहीं अटले अल्टीमेटली दोनों चीजें आपने क्यों की है किसी का मर्डर कॉज करने के लिए की है ना तो दोनों चीजों को साथ में ही देखा जाएगा क्योंकि वो दोनों चीजें एक इफेक्ट कॉज करने के लिए की गई थी दैट इज मर्डर तो दोनों चीजों को साथ में एक ट्रांजेक्शन का पार्ट समझ के चलो क्योंकि उस, उन दोनों चीजों को यहां पर एक ही रिजल्ट कॉज करने के लिए किया गया था ठीक है अब आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर अब यह सेक्शन बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि ये सेक्शन और सेक्शन नंबर थर्टी फोर में स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों सेक्शन ऑलमोस्ट सेम चीज के बारे में बात करते हैं ठीक है अब ये वाला जो सेक्शन है ये आपको पहले आईपीसी के सेक्शन नंबर थर्टी सेवन में देखने को मिलता था ठीक है तो मैं सेक्शन थर्टी सेवन नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि वही सेम सेक्शन भारतीय न्याय सहिता में भी है ठीक है, में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।, आपका है। अब यह वाला जो सेक्शन आपका थर्टी सेवन है यह क्या बन चुका है सेक्शन तीन का क्लॉज नंबर आठ बन चुका है अब इसमें क्या लिखा है इसको समझते हैं यहां पर लिखा है आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है सेवरल एक्ट्स के थ्रू अगेन सेक्शन कोई लैंग्वेज को यहां पे ध्यान से समझना ठीक है एक ऑफेंस कमिट हो रहा है एक एक्ट एक्ट से से नहीं हो हो रहा रहा है है बहुत सारे से हो रहा है. तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी का मर्डर कर रही हूं तो मर्डर में एक बार में नहीं कर रही हूं मैं एक एक्ट में नहीं कर रही हूं बहुत सारे एक्ट मिला के किसी का मर्डर यहां पर किया जा रहा है ठीक है अब मर्डर हो कैसे रहा है तो भाई कुछ लोग आपस में जान पूछ के इंटेंशनली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कॉपरेट कर रहे हैं इस ऑफेंस को करने के लिए इस मर्डर को करने के लिए है ना मर्डर हो कैसे रहा है एक एक्ट में नहीं हो रहा है देखो जैसे अपन कॉमन इंटेंशन में पढ़ते थे सेक्शन 34 में अपन पढ़ते थे वहां पे अपन चार लोग ग्रुप बना के गए किसी का मर्डर करने के लिए है ना एक इंसान ने मर्डर कर दिया अपन अब क्या बोलेंगे कि भाई चारों के चारों लोगों को यहां पे मर्डर करने की पनिशमेंट जो है वो मिलेगी यहां पे क्या हुआ कॉमन इंटेंशन में क्या हुआ कि हम सबका कॉमन इंटेंशन था प्री अरेज प्लान था जाके मर्डर करके आने का तो अपन गए और जाके मर्डर करके आ गए है ना यहां पे अपन ने एक सिंगल एक्ट में किसी इंसान की डेथ कॉज कर दी और सारे के सारे लोग यहां पर क्या हो गए उसके लिए लाइबल हो गए लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अपना कोई प्री अरेन्ज प्लान नहीं बना है अपना कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है अपन सिर्फ एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं अपन सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं किसी ऑफेंस को करने में और ऑफेंस अपन कैसे कर रहे हैं एक सिंगल टाइम में नहीं कर रहे हैं एक बार में नहीं कर रहे हैं अपन उसको कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में हिस्सों हिस्सों में कर रहे हैं उस एक्ट को है ना सेवरल एक्ट्स में उसको यहां पे किया जा रहा है ठीक है तो अब यहां पे क्या लिखा है ईदर सिंगली और ज्वाइंटली हो सकता है हम साथ में मिलकर ऑफेंस कर रहे हो साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हो हो सकता है हम अलग अलग ऑफेंस कर रहे हो लेकिन अन इंटेंशनली एक दूसरे की मदद कर रहे हो ठीक है तो यहां पे हर पर्सन को क्या किया जाएगा ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा अब एक बार इलास्ट्रेशन यहां पे समझते हैं और आपको बेटर यहां पे क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखो ए और बी है ये इलास्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में आते हैं है ना इलास्ट्रेशन में क्या लिखा है कि भाई ए और बी दो बंदे हैं ठीक है इन्होंने अग्री किया है यानी कि इन्होंने आपस में डिस्कशन यहां पे किया है ठीक है कि अपन को क्या करना है का मर्डर करना है। तो अब मेरे एक सवाल का यहां पे जवाब दो क्या यहां पे कॉमन इंटेंशन बन गया अभी बस इतना बताओ ए और बी ने आपस में अग्री किया है कि अपन को जेड का मर्डर करना है क्या यहां पे कॉमन इंटेंशन बन गया बन गया ना तो यहां पे कॉमन इंटेंशन अपना आ गया ठीक है क्योंकि अपन क्या कर चुके हैं पूरी अच्छा अब जेड का मर्डर कैसे करना है क्या एक बार में जाके उसके पेट में चाकू घोप देना है तो नहीं ऐसा नहीं करना है अपन यहां पर क्या करेंगे अपन अलग अलग समय पर जाके धीमे धीमे हॉले थोड़ा थोड़ा अपन Z को यहां पे जहर खिलाते हुए जाएंगे, जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा अपन Z को यहाँ पे जो है वो खिलाते हुए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि भाई A और B ऐसा ही करते रहे धीमे धीमे जाते रहे अलग अलग टाइम पे जाते रहे इंस्टॉलमेंट्स में जाते रहे और धीरे धीरे Z को यहां पे जो है वो जहर खिलाते गए तो हां स्लो पॉइजन है ना टॉर्चर करके -कर राइट तो जेड की बॉडी में जैसे जैसे, जैसे 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 जहर जाता गया जैसे जैसे पॉइजन उसकी बॉडी में बढ़ता गया ठीक है यहां पे क्या हो गया उसकी डेथ हो गई <clears throat> Z पर्सन की जो है वो यहां पे डेथ हो गई अब इलेस्ट्रेशन क्या बोलता है कि यहां पे ए और बी ने इंटेंशनली मतलब होशो आवाज में जान पूछ के जानते हुए क्या किया है कॉपरेट किया है जेड का मर्डर करने के लिए और उन दोनों के एक्ट से यहां पे क्या हुई है Z की डेथ यहां पे हुई है तो हम दोनों को यहां पे क्या करेंगे मर्डर के लिए पनिश करेंगे अब मुझे ये बताओ कि अभी जो ये इलेस्ट्रेशन मैंने आपको बताया ये कॉमन इंटेंशन से अलग कैसे हुआ हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम कॉमन इंटेंशन यहां पे ऐसा क्या हो रहा है जो सेक्शन नंबर थर्टी फोर में नहीं होता है यहां पे ऐसा क्या हो रहा है <coughs> जो सेक्शन नंबर थर्टी फोर में नहीं होता है एब्सोल्युटली करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट रुद्र दोनों साथ में एक्ट नहीं कर रहे हैं है ना पहला डिफरेंस तो यहां पे क्या हो गया कि दोनों साथ में एक्ट नहीं कर रहे हैं अपन दोनों साथ में नहीं जा रहे हैं मारने के लिए अपन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक इंसान को मार के है ना तो हमारे एक्ट यहां पर क्या है सेपरेट हो गए सेक्शन थर्टी फोर में अपन ने क्या पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी पढ़ा था वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ा था कि भाई सामने वाला जो एक्ट कर रहा है उसके लिए आप भी लाइबल ठहराए जाओगे है ना लेकिन यहां पे क्या हो रहा है वहां पे सामने वाले के एक्ट के लिए तुम क्यों लाइबल हो क्योंकि तुम भी वही मौजूद थे तुम भी वहीं पे प्रेजेंट थे जब वो एक्ट किया जा रहा था मतलब तुम्हारा भी कॉमन इंटेंशन वहां पे मौजूद था लेकिन यहां पे क्या हो रहा है यहां पे हम सेम टाइम पे नहीं कर रहे हैं हम अलग-अलग जा रहे हैं हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटेंशन यहां पे सेम है कि हमें जेड पर्सन का यहां पे मर्डर करना है और हम दोनों के एक्ट से यहां पे क्या हुआ है जेड पर्सन की डेथ यहां पे कॉज हुई है तो इसलिए इसको कॉमन इंटेंशन नहीं बोला जाता इसको इंटेंशनल कॉपरेशन बोला जाता है कि भाई दो लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके एक इफेक्ट कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि किसी इंसान की डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन लाइबल दोनों को ही ठहराया जा रहा है लेकिन अब यहां पे भी एक चीज समझना यहां पे आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि यहां पर तो वैसे ही लाइबल ठहरा रहे हैं जैसे कि अपन कॉमन इंटेंशन में करते थे कि भाई ए को भी सजा मिल रही है और बी की भी सजा मिल रही है तो यहां पे कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं हो रहा अब the point यहाँ पे ये है कि यहां पे कॉमन इंटेंशन की वजह से हम ए और बी दोनों को सजा नहीं दे रहे हैं सजा यहां पे क्यों दे रहे हैं क्योंकि भाई ए ने भी जहर दिया है और बी ने भी जहर दिया है दोनों के एक्ट की, की वजह से यहां पर क्या हुआ है एक इंसान की डेथ जो है वो यहां पर हुई है तो ए और बी को दोनों को मर्डर की सजा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे कॉमन एक दूसरे की बराबरी से मदद की है दोनों ने यहां पर जाके जहर खिलाया है तो दोनों के कामों की वजह से क्या हो रहा है यहां पर इंसान की डेथ कॉज हो रही है और इसलिए हमने यहां पर क्या किया है दोनों लोगों को मर्डर के लिए यहां पर पनिश किया है तो ये डिफरेंस होता है सेक्शन नंबर थर्टी फोर में और सेक्शन नंबर थर्टी सेवन में पहला डिफरेंस क्या है थर्टी फोर बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में सेक्शन थर्टी सेवन आपका ये जो तीन का क्लॉज नंबर है यानी कि आपका सेक्शन नंबर जो थर्टी सेवन है आपका ये बात करता है इंटेंशनल कॉपरेशन के बारे में पहला डिफरेंस ठीक है दूसरा डिफरेंस यहां पर क्या हो रहा है अग्रीमेंट देखो दोनों जगह है अग्रीमेंट अपन थर्टी फोर में भी कर रहे हैं मीटिंग ऑफ माइंड ठीक है अग्रीमेंट अपन यहां पर भी कर रहे हैं लेकिन यहां पर क्या हो रहा है अपन एक पे नहीं कर रहे हैं। Section 34 में सारे के सारे एक टाइम पे एक्ट करते हैं सारे के सारे एक जगह एक साथ पहुंच जाते हैं और इसलिए सबको बराबरी से एक दूसरे के एक्ट के लिए पनिश किया जाता है लेकिन यहाँ पे सारे के सारे एक, सारे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में में अपन यहां पे काम कर रहे हैं तो हर इंसान को अपने अपने एक्ट के लिए यहां पे पनिश किया जा रहा है ठीक है अपने अपने एक्ट के लिए पनिश किया जा रहा है तो यहां पे इलस्ट्रेशन में अगर आप देखते हो कि ए ए और और बी बी दोनों को पनिश किया जा रहा है मर्डर के लिए वो इसलिए नहीं है कि उनका कॉमन इंटेंशन था वो इसलिए है क्योंकि उन दोनों के इंडिविजुअल एक्ट की, की वजह से यहां पर क्या हुई है किसी इंसान की डेथ कॉज हुई है इज दिस क्लियर क्या ये समझ में आया क्या ये बात पल्ले पड़ी इज इज क्लियर अब देखो एक और इलेस्ट्रेशन पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि ये तीनों इलेस्ट्रेशन ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब ये वाला इलेस्ट्रेशन यहां पे क्या बोलता है दिस इलेस्ट्रेशन से कि भाई अपन दो लोग जेलर हैं है ना हाँ इसको आप बोल सकते हो दिस इज लाइक सिमिलर इंटेंशन ठीक है वर्ड यूज नहीं किया जाता है बट दिस इज मोर लाइक सिमिलर इंटेंशन जो मैंने कल आपको बताया भी था महबूब शाह के केस में जो मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों का सेम इंटेंशन था लेकिन अपन वहां जाके क्या कर रहे थे वो अपना अलग अलग लुकआउट था तो एक तरीके से इसको बोल सकते हो इट इज सिमिलर इंटेंशन ठीक है अब जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ये क्या बोलता है तो भाई अपन दो लोग एक जेल के जेलर हैं, जेलर बोले तो जो कि जेल की देखभाल करते हैं मतलब जेल का जो है आप बोलो मैनेजर टाइप का जो पर्सन होता है, है ना तो ए और बी जेल के दो मैनेजर है <clears throat> ठीक है अब ये दोनों का इरादा क्या है कि भाई जेल में एक बंदा है जेड अपन को जेड को यहां पे मारना है, है ना? अब जेड को मारना कैसे है तो होता यह है कि आप पहले सुबह 12 घंटे की शिफ्ट करने आते हो जेल में जेलर हो ना आप तो आप पहले सुबह बारह घंटे की शिफ्ट करने आते हो उसके बाद मैं बारह घंटे की शिफ्ट वहां पर करने के लिए आती हूं ठीक है अब हम दोनों ने डिसाइड किया है कि ठीक है सुबह के बारह घंटे जब मैं आऊंगी सुबह के बारह घंटे जब मैं आऊंगी है ना तब आप इसको खाना मत देना जेड को शाम के बारह घंटे में जब मैं जाऊंगी ठीक है तो बारह शाम के जो बारह घंटे होंगे एक पूरा, पूरा सेक्शन एक बार सुन लो फिर भी ना समझ में आए तो जो भी आपके डाउट्स है फिर वो पूछ लेना ठीक है सुबह के बारह घंटे में जब आप जाते हो तब आप खाना मत देना शाम के बारह घंटे में जब मैं जाती हूं तब मैं भी खाना नहीं दूंगी तो ये हमने आपस में डिस्कशन कर लिया तो कॉमन इंटेंशन यहां पे हो गया ठीक है सेक्शन थर्टी फोर यहां पर थोड़ा बहुत आपका आ गया अब यहां पे होता क्या है ठीक है कि की की यहां 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 पे 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 डेथ डेथ हो हो जाती है। हो जाती है 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 ठीक अब कॉमन इंटेंशन था कॉमन इंटेंशन एक हद तक था लेकिन पूरी तरीके से कॉमन इंटेंशन तो था नहीं क्योंकि कॉमन इंटेंशन क्या कहता है कि भाई सिर्फ मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं है जरूरी जरूरी क्या है सब का जरूरी है है आप एक एक जगह पे पे मौजूद होना टाइम किसी ऑफेंस को करना होता ना सारे लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है सारे लोगों का वो ऑफेंस करना जरूरी है तभी तो एक दूसरे को एक दूसरे के ऑफेंस के लिए लाइबल ठहराया जाता है ना बरेंद्र कुमार घोष के केस में अपन ने बरेंद्र कुमार घोष को क्यों ठहराया था गोली मारने के लिए जिम्मेदार इसलिए ठहराया था ना क्योंकि भाई तुम उसी गैंग का पार्ट थे तुम उसी वक्त वहां पे मौजूद थे आप उसी वक्त वहां पे प्रेजेंट थे जब वो चीज वहां पे की जा रही थी और इसलिए आपको एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है उस इंसान ने गोली मारी लेकिन तुम भी क्योंकि वहीं मौजूद थे तो तुमको उसके एक्ट के लिए वहां पे पनिश किया जा रहा है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हम एग्जैक्टली कॉमन इंटेंशन की तरह काम नहीं कर रहे हैं हमारा मीटिंग ऑफ माइंड है हम दोनों ने अग्री किया है कि, कि किसी इंसान की जान लेनी है बट हम एक साथ जाके जान नहीं ले रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं क्योंकि इफेक्ट अपन सेम कॉज करना चाहते हैं मैं भी चाहती हूं उसका मर्डर हो जाए वो मर जाए आप भी चाहते हो उसका मर्डर हो जाए वो मर जाए अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी मदद कैसे होगी भाई सुबह के बारह घंटे में तुम देखना इसको खाना ना मिले शाम के 12 घंटे में मैं देखूंगी कि इसको खाना यहां पे ना मिले अब दोनों के खाना ना देने की वजह से यहां पे क्या हुआ है सामने वाले पर्सन की डेथ हुई है कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का है काम जो है वो दोनों लोगों ने यहां पे किया है ऐसा नहीं है कॉमन इंटेंशन में अपन क्या पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन में अगर ए खाना ना देता अगर ए खाना ना देता ठीक है तो अपन बी को भी पनिश करते क्योंकि ए और बी के बीच में कॉमन इंटेंशन था ठीक है सेम टाइम पे काम कर रहे थे तो कॉमन इंटेंशन में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई ए ने खाना ना ना दिया ए के खाना ना देने की वजह से अगर जेड की डेथ हो गई तो उसके लिए अपन बी को भी जिम्मेदार ठहराते थे. लेकिन यहां क्या हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए ने खाना नहीं दिया उसके खाना ना देने की वजह से डेथ हो गई तो इसलिए इसको भी मर्डर के लिए पनिश करेंगे और बी ने खाना नहीं दिया इसके भी खाना ना देने की वजह से कहीं ना कहीं जेड की डेथ हुई है तो बी को उसके अलग से उसके काम के लिए पनिश किया जाएगा इज दिस क्लियर समझ में आया बी वाला इलेस्ट्रेशन इज क्लियर बी वाला इलेस्ट्रेशन समझ में आया अब तीसरा वाला इलेस्ट्रेशन सुनो ठीक है तीसरा वाला इलेस्ट्रेशन सुनो और क्लियर हो जाएगा ठीक है अब देखो तीसरे वाले इलेस्ट्रेशन में कहानी थोड़ी बदल जाती है ठीक है तीसरे वाले इलेस्ट्रेशन में कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है अब तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि भाई Z एक कैदी है ठीक है Z अपना एक कैदी है ठीक है एक पर्सन A है एक पर्सन यहां पे B है है ना अब यहां पे क्या हो रहा है अब यहां पे क्या हो रहा है ए बी जेड की डेथ कॉस करना चाहता है और बी भी क्या करता है यहां पे जेड की जो है वो डेथ कॉस करना चाहता है लेकिन अब यहां पे डिफरेंस क्या होता है अब यहां पे ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना ठीक है यहां पे डिफरेंस क्या है ए और बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते ए और बी ने आपस में एक दूसरे से बात नहीं की है तो क्या यहां पे कॉमन इंटेंशन है क्या यहां पे कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुआ है क्या यहां पे कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुआ है यहां पे कॉमन इंटेंशन कंप्लीटली मिसिंग है क्योंकि भाई दोनों लोग आपस में कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं इन्होंने कभी एक दूसरे से बातचीत ही नहीं की इन्होंने कभी आपस में अग्रीमेंट किया ही नहीं ठीक है तो यहां पे क्या है दोनों का इंटेंशन सेम है लेकिन आपस में एक दूसरे से कभी मिले नहीं कभी बातचीत वगैरह नहीं की तो इज नो कॉमन इंटेंशन अब होता क्या है इरादा दोनों का सेम सेम है है इरादा दोनों का सेम है कि का कि अपन को जेड मर्डर करना है तो ए क्या करता है दोनों अच्छा लकीली दोनों तरीका सेम अपनाते हैं मर्डर करने का ए का तरीका क्या है कि भाई जेड को खाना देना बंद कर दो है ना बी ने भी सेम तरीका अपनाया कि जेड को क्या करो खाना देना बंद कर दो अब हुआ ऐसा कि पहले जो है ए ड्यूटी पे था है ना? पहले जो है ए ड्यूटी पे था मतलब पहले जेल का जो जेलर है वो सिर्फ ए था तो पहले ए ने खाना देना बंद कर दिया ए ने खाना देना बंद किया दस दिन गए पंद्रह दिन गए बीस दिन गए जेड की मौत नहीं हुई लेकिन जेड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है ना अब ए को ड्यूटी से हटाया गया उसकी जगह बी आता है नया जेलर आता है नया जेलर भी सेम चीज चाहता है कि जेड की डेथ कॉस कर दी जाए है ना अब बी ने भी जेड को खाना देना बंद कर दिया अब ऑलरेडी बेचारा सामने वाला पहले से भूखा था पंद्रह बीस दिन से उसको वैसे ही खाना नहीं मिल रहा था और पंद्रह बीस दिन नहीं मिला अब यहां पे क्या हो गई जेड की यहां पे फाइनली डेथ हो गई अब यहां पे सोच समझ के बताओ कि मर्डर के लिए किस किस को पनिश किया जाएगा मर्डर के लिए किस किस को पनिश किया जाएगा एब्सल्यूटली करेक्ट है ना अपन यहां पे मर्डर के लिए सिर्फ बी को पनिश करेंगे सिर्फ बी को पनिश क्यों करेंगे क्योंकि भाई ए के खाना देने की वजह से डेथ नहीं हुई थी प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 37 का जो नया वाला ये जो क्लॉज है भारतीय न्याय संहिता का इसका प्रिंसिपल क्या है तुम सिर्फ अपने अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तुमने इंडिविजुअली क्या किया है आप सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं है. तो ए ने यहां पे जब खाना नहीं दिया तो क्या जेड की मौत हुई नहीं हुई लेकिन उसने मारने की कोशिश की उसने मर्डर करने की कोशिश की तो ए को अपन पनिश करेंगे तीन आईपीसी के अंदर में अटेंप्ट टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे करेंग, लेकिन बी के एक्ट से यहां पे क्या हुआ है जेड की डेथ कॉज हो गई है जेड जो है वो यहां पे मर गया है तो बी को अपन क्या करेंगे यहां पे कल्पेबल होमसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए जो है वो पनिश किया जाएगा तो बेसिकली ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया अब एक बार वापस से मेरी बात सुनो ठीक है सेक्शन 34 में क्या-क्या चीजें होती हैं कॉमन इंटेंशन क्या होता है कि भाई कोई क्रिमिनल एक्ट आपने करा होना चाहिए यानी कि कोई ऑफेंस आपने करा होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर करा होना चाहिए और उन सब का एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए यानी कि उन सब का मीटिंग ऑफ माइंड्स वहां पे होना चाहिए लेकिन जरूरी क्या है जरूरी क्या है सेक्शन नंबर थर्टी फोर के अंदर में कि भाई उनके क्रिमिनल बिहेवियर में एक यूनिटी होनी चाहिए यूनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सारे के सारे प्लानिंग के साथ ऑफेंस करने के लिए गए थे प्लानिंग देखो यहां पे भी है प्लानिंग यहां पे भी हो रही है लेकिन यहाँ पे प्लानिंग थोड़ी नीचे लेवल की है अपन सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि अपन को एक पर्सन का मर्डर करना है अब वहां पर मर्डर करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यह अपन को नहीं पता है मैं वहां पे कैसा जहर देती हूँ कितना जहर देती हूँ किस तरीके से देती हूँ वो हमें आइडिया नहीं है इस वाले सेक्शन के अंदर में ठीक है लेकिन सेक्शन थर्टी फोर में क्या हो रहा है अपन सब मिलके एक यूनिटी के साथ किसी क्राइम को करने के लिए जाते हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए जाते हैं सारे एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर वहां पे वो ऑफेंस पर है, है।, है ना ये अपन सेक्शन नंबर थर्टी फोर में पढ़ते हैं अब सेक्शन थर्टी फोर में सबको एक दूसरे के एक्ट के लिए क्यों पनिश किया जाता है क्योंकि भाई यही सेक्शन थर्टी फोर का प्रिंसिपल मैंने आपको पहले दिन भी समझाया था सेक्शन थर्टी फोर का जो मैंने आपको पहले दिन प्रिंसिपल समझाया था वो यही था कि भाई, किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो उसकी करने की हिम्मत बढ़ जाती है और इसलिए अपन सारे ग्रुप को पनिश करते हैं कि भाई तुम में से अगर सारे लोग नहीं होते उस अकेले इंसान के साथ अगर तुम सारों ने सपोर्ट नहीं दिया होता तो वो इंसान जाके ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं करता है ना तुम सारों ने यूनिटी में एक्ट किया तुम सब ने जाके इकट्ठा ऑफेंस कमिट किया एक दूसरे की किसी ना किसी तरीके से मदद की इसलिए थर्टी फोर में पनिश जो है, वो किया जाता है। लेकिन थर्टी सेवन आपको क्या बताता है सेक्शन थर्टी सेवन ये बोलता है कि देखो अपन आपस में डिस्कस तो कर रहे हैं कि अपन को एक्स चीज करनी है अपन ने आपस में डिस्कस किया है कि अपन को ऑफेंस जो है वो करना है लेकिन अपन यूनिटी से नहीं कर रहे हैं आपने और मैंने बस इतना बोला है अपन को जेड का मर्डर करना है अच्छा ठीक है कैसे करना है जहर देके करना है कोई बात नहीं सुबह जाके तू दे जा दे दियो शाम को जाके मैं दूंगा बस इतनी बात हुई है और हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है सुबह आप कितने बजे जाते हो कैसे जहर आते 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 हो कितना दे के आते हो कहां दे के आते हो कितना कहां यह हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है तो हमारे बीच में क्या नहीं है यहां पर यूनिटी नहीं है है ना हम साथ में जाके एक्ट नहीं कर रहे हैं एक टाइम पे जाके ऑफेंस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं जैसी मदद सेक्शन थर्टी फोर में की जाती है वैसी मदद नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपस में एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे थर्टी सेवन के अंदर में तो यहां पे आप सब क्योंकि एक साथ ऑफेंस नहीं कर रहे हो एक टाइम पे नहीं कर रहे हो और एक दूसरे की प्रॉपर मदद नहीं कर रहे हो इसलिए यहां पे हर इंसान अपने अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इज दिस क्लियर थर्टी फोर और थर्टी सेवन का डिफरेंस समझ में आया थर्टी फोर और थर्टी सेवन का डिफरेंस समझ में आया हाँ एब्सल्यूटली करेक्ट नीलेष देसाई रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल अपनी एक है ठीक है काजल लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में देखो क्या होता है लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में ठीक है अच्छा काजल ये वाला पॉइंट सुन लो फिर मैं ये लास्ट इलस्ट्रेशन से कनेक्टेड ही है तो आपको समझ में आ जाएगा है ना ये जो बात है ये जो पूरा डिफरेंस आप देखते हो कॉमन इंटेंशन और ये इंटेंशनल कॉपरेशन में है ना ये डिफरेंस पहली बार बरेंद्र कुमार घोष के केस में ही बताया गया था लॉर्ड समर इन्होंने ही ये लाइन बोली थी कि इंटेंशनल कॉपरेशन अलग होता है और कॉमन इंटेंशन जो है वो आपका अलग यहां पे होता है ठीक है इंटेंशनल इंटेंशनल कॉपरेशन में आप एक दूसरे की किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हो ऑफेंस करने में ठीक है लेकिन लेकिन यहां पे दो विदाउट शोइंग द इंटेंशन टू कमिट दैट ऑफेंस लेकिन हम एक साथ जाके एक ही झुंड में जाके एक तरीके से एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे को इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि आओ चलो जाके वो ऑफेंस करते हैं आओ एक दूसरे की मदद करते हैं वो चीज यहां पे मिसिंग है तो कॉमन इंटेंशन जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली exactly एक तरीके से शेयर नहीं किया गया है हमने बस एक दूसरे की मदद की है कुछ ना कुछ यहां पे क्या करने के लिए ऑफेंस यहां पे जो है वो करने के लिए तो इसलिए यहां पे लॉर्ड समर ने एक लाइन बोली थी कॉमन इंटेंशन में हो सकता है कि कभी इंटेंशनल कॉपरेशन हो और कभी इंटेंशनल कॉपरेशन ना हो जैसे जो ये लास्ट वाला इलेट्रेशन मैंने आपको बताया जो ये इलेट्रेशन था इसमें कॉमन इंटेंशन नहीं था है ना? क्योंकि यहां पर पार्टी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे इन्होंने आपस में डिस्कशन ही नहीं किया एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं लेकिन जो पहले के दोनों वाले इलस्ट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉमन इंटेंशन भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है क्योंकि पार्टीज थोड़ा बहुत पहले से जो है एक तरीके से प्लानिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं एक दूसरे का अग्रीमेंट अपने साथ कर रहे हैं तो लॉर्ड समर ने ये बोला भी था कि देखो इंटेंशनल कॉपरेशन के कुछ केसेस होंगे जहां पे आपको कॉमन इंटेंशन देखने को मिलेगा लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं होगा यानी कि कोई प्री अरेन्ज प्लान नहीं होगा कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं होगा जैसे कि ये लास्ट वाले केस में हुआ था कि दो लोग मिलके ऑफेंस सेम करना चाहते हैं रिजल्ट सेम कॉज करना चाहते हैं लेकिन अन इंटेंशनली कर रहे हैं एक दूसरे को जानते नहीं है तो भाई जिसने जो ऑफेंस किया है जिसके एक्ट से जो रिजल्ट निकल के आया है उसे उसके लिए ही यहां पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा इज दिस क्लियर बात समझ में आ गई इज दिस क्लियर बात समझ में आ गई Uh, आदित्य क्या एक्सप्लेन करना है अगेन आदित्य लास्ट वाले में क्या है? लास्ट आ, क्या एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली exactly, लास्ट सेक्शन में अच्छा आदित्य देखो लॉर्ड समर ने लॉर्ड समर ने ठीक है जो तीसरा वाला इलेस्ट्रेशन है हमारा ये वाला जो इले सॉरी ये वाला जो इलेस्ट्रेशन है हमारा ठीक है मैंने अभी आपको तीनों इलेस्ट्रेशन बताए है, है ना हमने तीनों इलेट्रेशन डिस्कस किए तीनों इलेस्ट्रेशन में से जो पहला इलेस्ट्रेशन था यहां पे अग्रीमेंट हो रहा है है ना यहां पे पार्टीज आपस में डिस्कशन कर रही हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा बहुत कॉमन इंटेंशन देखने को मिल रहा है लेकिन ये सबके सब कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबल क्यों नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि भाई अलग अलग टाइम पे ऑफेंस कर रहे हैं एक साथ जाके नहीं कर रहे हैं यूनिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं है ना तो यहां पे कॉमन इंटेंशन थोड़ा सा है लेकिन कंप्लीटली नहीं है फिर सेम चीज सेक्शन ये सेकेंड वाले इलास्ट्रेशन में भी है यहां पर भी पार्टीज आपस में थोड़ा बहुत अग्रीमेंट कर रही है थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रही है थोड़ा बहुत कॉमन इंटेंशन है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है अल्टीमेटली अपना अपना रास्ता नाप रही है अपना अपना अलग अलग हिसाब से ऑफेंस कर रही है तीसरे वाले इलास्ट्रेशन में कॉमन इंटेंशन है ही नहीं क्योंकि पार्टीज कभी आपस में मिली ही नहीं पार्टीज ने कभी आपस में डिस्कशन ही यहां पे नहीं किया है ना तो यही बात यही बात लॉर्ड समर ने क्या करी थी जो आपका बरेंद्र कुमार घोष वाला केस था उसमें बताई थी कि देखो कॉमन इंटेंशनल कॉमन इंटेंशन

आपस में एज अ झुंड एज अ यूनिटी जाके ऑफेंस को कमिट करते हैं इसलिए है, चीजें करने के लिए तो यहां पे लॉर्ड समर ने क्या बोला कि देखो इंटेंशनल कॉपरेशन जो होता है जो इस सेक्शन में दिया हुआ है कभी कभार ऐसा होगा कि उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉमन इंटेंशन देखने को मिलेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कॉमन इंटेंशन है क्योंकि कॉमन इंटेंशन में क्या होता है कि भाई पार्टीज ना सिर्फ साथ में प्लानिंग कर रही हैं, ना सिर्फ साथ में डिस्कशन वगैरह कर रही हैं, बट साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ऑफेंस करने के लिए भी जा रही हैं। लेकिन इंटेंशनल कॉपरेशन में अपन हो सकता है कि अपन ने साथ में डिस्कशन किया हो प्लान वगैरह बनाया हो लेकिन अपन साथ में नहीं गए तो वो जो यूनिटी वाला पार्ट होता है ना क्रिमिनल बिहेवियर में जो यूनिटी दिखनी चाहिए वो यहां पर मिसिंग हो जाती है कॉमन इंटेंशन जो है उसके साथ यूनिटी भी होना जरूरी है तब वो कॉमन इंटेंशन माना जाता है अगर सिर्फ कॉमन इंटेंशन है और साथ में जाके ऑफेंस नहीं किया है तो फिर उसे पूरी तरीके से कॉमन इंटेंशन नहीं बोला जा सकता ठीक है इज दिस क्लियर अभी समझ में आ गया आदित्य अभी समझ में आ गया चला गया क्या आदित्य ओके एनीवे चलो आ, अगले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं <coughs> मैम अगर Z को फूड दे दे अगर A मैम A अगर Z को फूड दे देता तब तो डेथ नहीं होगी ना तो फिर तो इंटेंशनल कॉपरेशन ही नहीं होगा ना काजल इंटेंशनल कॉपरेशन के लिए तुमको दो बंदे तो चाहिए ना कम से कम जिसके साथ तुम कॉपरेट कर रहे हो अगर एक बंदा कॉपरेट कर ही नहीं रहा है तो इंटेंशनल ही नहीं हुआ फिर तो अकेला अकेला एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अकेला यहां पे ऑफेंस करता रहेगा ठीक है चलो अब आ जाते हैं अगले उसके ऊपर ये तो बहुत ही टुच्चा सा सेक्शन है जो आपका सेक्शन नंबर थर्टी एट था ठीक है सेक्शन नंबर थर्टी एट अब आपका आ चुका है सेक्शन नंबर तीन के क्लॉज नंबर नौ के अंदर में इसमें देखो सिंपल सी बात है कि भाई जब पार्टी के बीच में ना तो कॉमन इंटेंशन है और ना ही पार्टी के बीच में सिमिलर इंटेंशन है तो भाई सीधे से प्रिंसिपल वाली बात आ जाती है कि भाई हर इंसान अपने अपने काम के लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबल जो है वो माना जाएगा उदाहरण के तौर पे ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं चलो आदित्य का एग्जांपल ले लेते हैं है ना तो आदित्य आपने मुझे सडन प्रोवोक किया आपने मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया तो मैंने आपके ऊपर आके अटैक कर दिया है ना अब अगर मान लेते हैं कि मेरे अटैक करने की वजह से मेरे अटैक करने की वजह से आपकी डेथ कॉज हो जाती है तो मुझे कौन से सेक्शन में पनिश किया जाएगा मुझे कौन से सेक्शन में पनिश किया जाएगा मैंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके आदित्य के ऊपर अटैक जो है वो कर दिया ठीक है और आदित्य की डेथ वहां पे कॉज हो गई तो मुझे कौन से सेक्शन के अंदर में पनिश किया जाएगा तीन सौ दो कैसे होगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या होता है तीन सौ दो होता है तीन सौ चार होता है अभी बीएनएस मत करो अभी बाकी लोगों को नहीं पता व्हाट इज अभी पुराने आईपीसी के हिसाब से ही चलो ओके गाइस हेलो लिसन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन सेक्शन 300 का एक एक्सेप्शन है क्या बोलता है कि अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किसी इंसान की डेथ कॉज की जाती है तो क्या उसे कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं नहीं बोलते हैं ना तो 302 में कैसे पनिश किया जाएगा 304 में किया जाएगा ना कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट कहां है तीन में दी गई है ना तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर कोई इंसान आके मर्डर करता है तो उसे क्या बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं राइट right? तो उसकी पनिशमेंट है है 304 के अंदर में है ना इतनी बात समझ में आ गई अब देखो हुआ क्या कि जब मैं आदित्य के ऊपर अटैक कर रही थी जब मैं आदित्य के ऊपर यहां पे अटैक कर रही थी तो एक और पर्सन था जो कि आदित्य को पसंद नहीं करता था है ना? तो उसने भी क्या किया आदित्य के ऊपर यहां पे अटैक कर दिया मैंने अटैक किया ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में लेकिन दूसरे पर्सन ने जो अटैक किया है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं किया है उसने जेलेसी की वजह से किया है उसने जलन की वजह से आदित्य के ऊपर यहां पर जो है वो अटैक किया है अब यहां पर हो क्या रहा है कि अटैक दोनों कर रहे हैं मर्डर यहां पर दोनों कर रहे हैं बट क्या हमारे बीच में यहां पे कॉमन इंटेंशन है क्या हमारे बीच में यहां पे कॉमन इंटेंशन है नहीं है ना नो no. क्या हमारे बीच में यहां पे सिमिलर इंटेंशन है क्या हमारे बीच में यहां पे सिमिलर इंटेंशन है नहीं तो सिमिलर इंटेंशन भी नहीं है क्योंकि भाई एक आदमी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके कर रहा है नहीं सिमिलर इंटेंशन भी यहां पे नहीं है एक आदमी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आके कर रहा है दूसरा जेलेसी की वजह से कर रहा है है ना जलने की वजह से कर रहा है दुश्मनी में आके कर रहा है तो यहां पे जब कॉमन इंटेंशन भी मिसिंग है और सिमिलर इंटेंशन भी मिसिंग है तो आप जो है इंडिविजुअली अपने अपने एक्ट के लिए लायबल माने जाओगे तो यहां पे जैसे मैं हूं मैंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके किया है तो मेरे ऊपर कानून क्या लगाएगा तीन लगाएगा क्योंकि मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन मिल जाएगा मुझे डिफेंस का फायदा मिल जाएगा लेकिन दूसरे पर्सन ने यहां पे क्या किया है आदित्य के ऊपर एम अटैक किया है जेलसी में आके गुस्से में आके तो उस इंसान के ऊपर क्या लगेगा 302 दो लगेगा तो यही आपको सेक्शन में लिखा के बता के दिया गया है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ क्या करते हैं इंगेज हो जाते हैं किसी क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को कमिट करते हैं तो वो दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट देखो यहां पे हमने दोनों ने क्या किया है एक ही एक्ट किया है किया हम दोनों ने यहाँ पे मर्डर है लेकिन हम हो क्या रहे हैं यहाँ पे उसी एक्ट की वजह से उस सिंगल एक्ट की वजह से पनिशमेंट लोगों को अलग अलग मिल रही है मुझे क्या मिल रही है 304 की पनिशमेंट मिल रही है दूसरे पर्सन को 302 की पनिशमेंट मिल रही है लेकिन एक्ट हमने यहाँ पे क्या किया है सेम किया है और सेम एक्ट हम दोनों ने यहाँ पे मिलकर किया है एंगेज किया है दोनों ने सेम टाइम पे उस एक्ट को यहाँ पे किया है लेकिन उस एक एक्ट को करने वाले सारे लोगों की सजा यहाँ पे अलग अलग है डिफरेंट ऑफेंसेज है यहां being रीजन भाई ना उनके बीच में यहां पे कॉमन इंटेंशन था और ना उनके बीच में यहां पे सिमिलर इंटेंशन था इज दिस क्लियर ये वाला सेक्शन समझ में आ गया ये वाला सेक्शन समझ में आ गया एक्ट सेम हो रहा है, है ना एक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं एक टाइम पे एक्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन एक्ट करने वाले सारे लोगों की सजा अलग अलग निकल के आ रही है उनकी अलग अलग सिचुएशन की वजह से ठीक है चलो सो गाइज यहां पे हमारा चैप्टर नंबर वन जो है भारतीय न्याय संहिता का जो हमारा चैप्टर नंबर वन है वो हो गया है कंप्लीट ठीक है अब हम यहां पे आ गए हैं चैप्टर नंबर टू के ऊपर चैप्टर नंबर टू में जो आपका सबसे पहला सेक्शन है ये बात करता है कम्युनिटी सर्विस के बारे में जैसे ये आज की न्यूज की हेडलाइन है जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने चोरी चकारी यहां पे की थी उनको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट यहां पे जो है वो सुनाई है तो कम्युनिटी सर्विस वैसे तो अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कोर्ट्स यहां पर क्या कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विस की सजा जो है वो आपकी सुना सकते हैं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा अब चैप्टर नंबर दो जो है हमारा यहां पे स्टार्ट होता है भारतीय न्याय संहिता का विच इज टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट अभी सिर्फ डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में कल से अपन पढ़ेंगे ठीक है तो पहले punishments आपको कहां दी गई थी 3 में punishments आपकी थी चैप्टर नंबर नंबर में आपकी सेक्शन क्या होता था सेक्शन नंबर फिफ्टी होता था अब यह क्या हो गया है सेक्शन नंबर चार आपका हो गया है ठीक है सेक्शन नंबर चार अब आपका हो चुका है पनिशमेंट का और चैप्टर नंबर टू आपका हो गया है यहां पे पनिशमेंट का तो पहला बदलाव तो क्या हुआ है इसमें ये हुआ है दूसरा बदलाव क्या हुआ है कि भाई बाकी सारी सजा आपकी सेम है डेथ पेनल्टी आपका अभी भी है लाइफ इंप्रिजनमेंट आपका अभी भी है रिग्रेस और सिंपल आपका अभी भी है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी अभी भी है फाइन अभी भी है बस एक एक्स्ट्रा पन... बस एक एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहां पे जो है वो आपकी ऐड कर दी गई है विच इज कम्युनिटी सर्विस यहां पे ठीक है तो कल की जो क्लास हमारी होगी हाँ <coughs> <आ, coughs> कल की जो क्लास हमारी यहां पे होगी उसमें दो तीन चीजें हमको यहां पे डिस्कस करनी है ठीक है कल की क्लास में हम दो तीन चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे पहला तो देखो पनिशमेंट्स पे आने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड की पनिशमेंट दी क्यों जाती है ठीक है जैसे भारतीय न्याय संहिता में भी पनिशमेंट्स क्यों डाली है वाई डू वी नीड पनिशमेंट इन द सोसाइटी नंबर वन नंबर टू पनिशमेंट्स की जो थ्योरी है वो अभी भी सेम रहेंगी जो पहले हम थ्योरीज पढ़ते थे वही थ्योरीज हमको अभी भी पढ़नी पड़ेंगी रिफॉर्मेटिव रेट्रीब्यूटिव डेटरेंट थ्योरी ठीक है वो सारी चीजें मैंडेटरी नहीं वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था ना यश पांडे तो वो वैसे ही हटा दिया गया था वो तो अब अब रखने का मतलब ही नहीं है उसको है ना सो so, थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट है है ना इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको एग्जैक्टली exactly क्यों लाया गया है क्या इसके इंप्लीकेशन होंगे कैसे इसको इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है नाउ गाइस सो आई होप आज हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है आ, वो आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा ठीक है कल की क्लास थोड़ी जरूरी है तो उसको मिस मत करिएगा क्योंकि जो पनिशमेंट वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं पनिशमेंट क्यों दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में ठीक है पनिशमेंट्स की थ्योरीज क्या होती है कितने टाइप की पनिशमेंट है इंडिया में कौन सी थ्योरी फॉलो की जाती है राइट right? सारी थ्योरीज का मतलब क्या होता है टाइप क्या होता है और कम्युनिटी सर्विस का एग्जैक्टली exactly क्या पॉइंट होता है तो ये सारी चीजें हम

ठीक है, ओके तो अब यहां पे इस कोर्स का जो प्राइस है चालीस नहीं है चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे और दो साल के लिए कोर्स आपको यहाँ पे दिया जाता है जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, बारह महीने में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ठीक है प्रिलिम्स और मेंस के हिसाब से यानी कि डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ाया जाएगा जैसे कि अभी मैं आपको youtube में पढ़ा रही हूं बेसिक से जीरो लेवल से ठीक है प्लस इन क्लासेस में आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती डाउट्स आप अनम्यूट करके अपने सारे क्वेश्चंस क्लास में फैकल्टी से पूछ सकते हैं ठीक है इसके साथ-साथ डेली यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको डेली यहां पे नोट्स मिलते हैं प्रिलम्स के और आ, मेंस के एग्जाम के ठीक है आपको मेंस की आंसर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग इस बैच में करना सिखाया जाता है ठीक है आपको जीके और करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं लीगल करंट अफेयर्स है इसमें लोकल लॉज हैं सारे स्टेट्स के और लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश तो एक एक चीज जो आपको जुडिश्री एग्जाम्स क्लियर करने के लिए चाहिए वो सब कुछ इस बैच में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द बैचेस कि यहां पे हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक पर्सनल मेंटोर भी होता है तो अगर क्लास के बाद में भी आपका कोई डाउट है कोई सवाल है तो उसे आप अपने मेंटोर से भी पूछ के डिस्कस कर सकते हो अब आ जाते हैं कि बैच में एनरोल कैसे करना है तो देखो यहां पे जब आप बायनाओ पे जाते हो कोर्स चालीस हजार का दिखता है है ना सो प्रोमो कोड पे क्लिक करो और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखो एक बॉक्स बना होगा एंटर कूपन कोड यहां पे जाके टाइप कर दो ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर ठीक है और इसको अप्लाई कर दो और अप्लाई पे क्लिक करके जैसे ही आप यहां पे देखेंगे तो चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे का ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें बारह महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा लेकिन जो कोर्स का एक्सेस है वो आपके पास दो हजार छब्बीस तक रहेगा तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी बारह महीने में हुई थी आप उन्हें दो हजार छब्बीस तक रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार सो so आप में से जो लोग मेरे साथ और मेरी मेंटोरिंग में तैयारी में करना चाहते हैं उसका एक ही डिस्काउंट कोड है एंड दैट इज ए आर जे ठीक है सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अब हम मिलेंगे कल की क्लास में शाम को सात बजे इंपॉर्टेंट क्लास है तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा ठीक है सो आई सी यू गाइज टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय